हेलो सभी लोग, सो मैं सारांश तिवारी एंड आज का वीडियो टाइटल देख ही लिया होगा, तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो जय एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं हूँ सारांश। तो भैया, हम कुछ पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे एंड उसके अंदर जो है मार्क्स नहीं आ रहे। तो पहली बात तो ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अकेले की नहीं है। जितने भी ये एस्पिरेंट आते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो उन सभी के साथ ये प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, कि थ्योरी तो पूरे पढ़ लेते थे, समझ आ जाता था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती थी तो ढंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। लगता था कि यार हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बल्कि हमने पढ़ा सब कुछ होता है, हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो यार हमें लगता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं हो रहा। और ये सिर्फ एक सिंगल की प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल जी एस्पिरेंट की प्रॉब्लम नहीं है, सभी की यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यार इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है मॉक टेस्ट देना। ठीक है, जितने ज़्यादा हम मॉक टेस्ट देते हैं उतने ही ज़्यादा हम अच्छे होते जाते हैं। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा हम और अच्छे होते जाते हैं। तो कैसे इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मतलब कि हमारे पास कौन से वैसे प्लेटफॉर्म है यार जिस यहाँ पे हम ये दें? तो नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है कि प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करें। तो दो हैं, ठीक है, एक तो NTA है, नेशनल टेस्ट अभ्यास। ठीक है, NTA ऐप के बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में थोड़ा बताया भी था, तो जितना मैंने इस वीडियो में बताया था उतना ख़राब भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट हो जाता है, बिकॉज़ इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो टफ लेवल के आते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि पूरे सारे ही टफ होते हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है एंड अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। तो भैया मॉक टेस्ट तो दे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? तो यार ये एक मैंने एक ऐसा एग्जांपल सेट करा था कि जैसे हम मॉल के अंदर कपड़े लेने जाते हैं ना, हम मॉल के अंदर जाते हैं, जितने ज़्यादा हम देखते हैं कि यार ब्रांड में क्या चल रहा है, मतलब कौन से ब्रांडिंग कंपनीज़ हैं, क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं ना। देखा होगा आपने जो भी बढ़िया बढ़िया कपड़े होते हैं, जो लोग बड़े बड़े लोग कपड़े पहन रहे होते हैं बढ़िया से, वैसे फिर हम सोचते हैं कि यार ये हमें लेना है, ये वाले कपड़े हमें लेने हैं, ठीक है, या फिर ये वाली कोई डिवाइस लेनी है। तो उसी तरीके से क्वेश्चंस का भी ऐसे ही होता है, एक एक्चुअल पेपर जो कि होने वाला है कुछ डेट के बाद, ठीक है, किसी डेट पे, तो उससे पहले हम एक मॉक पेपर खुद से सेट करें और उसको दें। तो उसमें होगा क्या यार कि हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें उसमें देने चाहिए, उससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या ऐसा क्वेश्चन है, क्या ऐसा क्वेश्चन का टाइप है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, या फिर कौन सा क्वेश्चन का टाइप रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो ट्रेंडिंग में है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं कि यार ये कपड़े तो काफ़ी सारे लोग पहन रहे हैं, ये जीन्स तो काफ़ी सारे लोग पहन रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रेंडिंग में है। ठीक उसी तरीके से यार क्वेश्चन के टाइप, ठीक है, इस अंदर, तो उसी को हम क्या करते हैं कि यार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गए, हमने देखा कि सभी की लिस्ट निकाल ली कि अच्छा ये चीज़ फॉलो हो रही है, उसको हमने अपने मॉक टेस्ट में डाल दिया। ठीक है, और ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, सारा ऐप के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही कि भैया मॉक टेस्ट दो देने हैं और मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होता है, वो सारी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि यार मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना। ठीक है, मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना, तो एंड जो भी हम मॉक टेस्ट देते हैं उसको एनालाइज़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम मॉक टेस्ट को फ्रिक्वेंटली दें। मींस कि जितना हम लगातार जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 5 मॉक टेस्ट दे दिए, उसमें से 2 में अच्छे मार्क्स आ गए, 3 में ख़राब आ गए, तो हमें लगता है कि यार 6th देना ही नहीं चाहिए वो, और 6th जब हम देने जाते हैं तो उसमें भी मार्क्स हमारे डाउन हो जाते हैं। तो इसका रीज़न एक सिंपल सा यही है कि यार हमने जो इससे 6 जो हम देने जा रहे हैं उससे पहले जो हमने 5 दिए हैं मॉक टेस्ट, उसको हमने ढंग से एनालाइज़ नहीं करा है। अगर हम उसको अच्छे से एनालाइज़ कर लें तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 6th वाले के अंदर मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। ठीक है, और